जय व्यापार, मैं हूं तपेश जैन और अभी चैम्बर में संविधान को लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही है। हमारे साथ में मंत्री जितेंद्र जी बोलचा हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहले तो सभी व्यापारियों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सभी को नमस्कार। और जो भी ये संविधान की जो भी प्रक्रिया हुई है वो बाकायदा नियमावली के साथ हुई है। सारे लोगों को इन्विटेशन दिया गया, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया और एक भरी आम सभा में लगभग 1500-1700 लोगों की उपस्थिति में इस संविधान का संशोधन करके और कार्यकारिणी में इसको पास किया गया। विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है और जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी लगता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है तो वो सिर्फ अभी ये चुनाव के समय ही आकर क्यों बात कर रहे हैं। पहले इतने 5-3 साल की जो कार्यकाल में अगर साथ देना था या व्यापारी हितों के लिए कुछ करना था तो वो कहाँ थे जो आज ये संविधान संशोधन की जो बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई गलत प्रक्रिया नहीं, इसमें तो बल्कि और खुला कर दिया गया है। जिसको जब चुनाव लड़ना है, जिसको जिस प्रकार से अपनी चुनाव की पात्रता रखता है वो आकर बिल्कुल चुनाव लड़े। सूचना नहीं मिली जो सूचना भेजना चाहिए था चैम्बर को। ये तो बहुत ही गलत है। मैं बल्कि आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, मैं चैम्बर से लगभग मेरा जो नाता है लगभग 10 से 12 साल से मैं एक्टिव हूँ। 2 बार और भी पहले भी मैंने चुनाव लड़े हैं आदरणीय UN अग्रवाल जी के पैनल से। ये 3rd टर्म है मेरा जो चुनाव लड़ा और मैं आदरणीय अमर परवानी जी के पैनल से मैं भी निर्वाचित हुआ। और इस बार जो 3 सालों से जो पारदर्शिता रखी गई है, व्यापारियों को निमंत्रण किया है, एक एक आदमी, कोई भी व्यापारी नहीं बोल सकता मुझे चैम्बर से किसी भी मीटिंग का सूचना नहीं मिला है। लगभग मैं बोलता हूँ कि एज ए सराफा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो मेरे को मीटिंग की सूचना के लिए कम से कम 8 से 10 बार कॉल आते थे, सर इस तारीख को बैठक है, आप अवश्य पधारें, आमंत्रित हैं। और कोई भी सूचना जो भी है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो एसोसिएशन के, उनको ये लिखित में एक लेटर भी जाता है और उनको ये भी बोला जाता है कि आप अपने ये लेटर पूरे अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में या पदाधिकारियों के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ, VIP कल्चर आज भी VIP कल्चर अब ख़त्म हो चुका है लगभग चैम्बर में, क्योंकि हर आदमी, हर व्यापारी अपने आप में VIP है। तो अब किसी को पर्सनली फ़ोन नहीं किया होगा या पर्सनली इन्विटेशन नहीं किया होगा, तो ये बात अपनी वो अगर कब तक चुनाव हो जाएंगे चैम्बर के? चैम्बर के चुनाव देखिए बहुत जल्द मेरे हिसाब से लगता है कि अब जैसे हमने आम सभा में पारित किया था कि भाई लगभग इसका इस टर्म को 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए तो वो पारित हो चुका था। अब वो 6 महीने के अंदर में लगभग ये समझिए दिसंबर के पहले चैम्बर के चुनाव। आप कह रहे थे कि 3 महीने में हो जाएगा क्योंकि ये बातचीत तो 3 महीने तो हो ही गए उसको। देखिए अब ये प्रक्रिया को पूर्ण करते करते, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते करते जो भी है लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के अंदर में अब ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करके नई बॉडी आ सकती है। अच्छा, तो अभी अध्यक्ष जो है जी दूसरे बॉडी को या पंच को सौंप सकते थे कि अभी नहीं है, कार्यकाल खत्म हो गया उनका? देखिए अभी जो एक्सटेंड हुआ है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है ना, चुनाव की कोई घोषणा हुई है, तो अभी एक्सटेंड हुआ है आम सभा में, तो वो लगभग अभी अध्यक्ष वही है। 6 महीने तक अध्यक्ष वही है। जिस दिन चुनाव की बॉडी या चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाती है उस समय फिर हम इसको बोल सकते हैं कि अब आचार संहिता लगी, तो वो जो भी हमारे पंचायत या वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी पूरी इस प्रक्रिया को निभाएंगे। तो आपका कहना कि 3 महीने के अंदर भी चुनाव हो जाएगा, होने की संभावना है? बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया इसके लिए, आपका धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय व्यापार।